नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कवर कर रहे हैं किया की ईवी सिक्स गाड़ी को। अब किया इंडिया में, हंडाई इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, हर जगह आपको ये गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और किया की एक सबसे महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो ईवी सिक्स है, वो आज हमारे पास है यहाँ पर। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में और जो गाड़ियाँ आम सड़क पर आप देख रहे हो उनमें क्या अंतर है, और सबसे बड़ी चीज़ ईवी टेक्नोलॉजी क्या है, ईवी में क्या क्या लगा होता है। अगर आज हमारा भाई वर्कशॉप में कोई गाड़ी को ठीक कर रहा है, क्या आने वाले 5 सालों में भी वो ईवी गाड़ी को ठीक कर सकेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम इस बिजनेस में रह सकते हैं आगे कि नहीं। तो ईवी के बारे में अगर आप अभी नहीं जानते, आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ईवी टेक्नीशियन कैसे बना जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ईवी टेक्नोलॉजी में क्या क्या लगा होता है और क्या क्या सीखने की जरूरत है अगर आप ईवी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस गाड़ी के बोनट के नीचे कि क्या क्या लगा है, कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, किस चीज़ से हमें सावधान रहना चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे डीपली कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। सो भाइयों, पहले हम इसका बोनट खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा नीचे क्या क्या लगा है। जैसे आप देख सकते हो ये गाड़ी का इंटीरियर है, इंटीरियर के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे आप जानते हैं हमारा चैनल है गाड़ियों के बारे में, उनको ठीक करने के बारे में, डायग्नोस्टिक के बारे में, फीचर क्या है गाड़ी के अंदर, इस सीट में हीट है कि नहीं, हीटेड सीट्स हैं कि नहीं, या गाने कितनी तेज़ चलते हैं, इनमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सो बोनट मैं खोलूँगा यहाँ से और हम देखेंगे बोनट के नीचे क्या क्या लगा हुआ है, और बाद में आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊँगा कि कौन सी चीज़ का क्या क्या काम है। अब नॉर्मल जैसे हम कोई गाड़ी खोलते हैं, बोनट खोलते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे हमारा ये इंजन कवर होता है, पर इस गाड़ी में ये इंजन कवर नहीं है। इस गाड़ी में ये थोड़ी सी स्पेस है जिसमें आप सामान रख सकते हो, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो आम बैटरी होती है, जो हमारी लो वोल्टेज बैटरी होती है, वो इस गाड़ी में भी है जैसे हमारी आम गाड़ियों में होती है। पर इसके साथ साथ हमारी इस गाड़ी के नीचे 800 वोल्ट की बड़ी बैटरी भी लगी हुई है। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ कि जो इंडिया में ईवी सिक्स है वो भी 800 वोल्ट वाली है या वो 400 वोल्ट वाली है, क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएंट आते हैं, पर इस गाड़ी में 800 वोल्ट है। और आपको दिखाऊँ, अगर आप देखें पीछे हमारे पास ऑरेंज कलर की वायर्स हैं, ऑरेंज कलर की वायर्स हमें बताती हैं कि वो हाई वोल्टेज वाली वायर्स हैं, उनमें हाई वोल्टेज है, उसमें 800 वोल्ट के करीब वोल्टेज है जिसे हम टच नहीं कर सकते जब तक हम सिस्टम को आइसोलेट नहीं कर देते, डी पावर नहीं कर देते। पर मोटी तार, अब देखिए हम कह रहे हैं कि गाड़ी हाई वोल्टेज है, पर हाई वोल्टेज के साथ साथ छोटी बैटरी भी है हमारे पास, क्योंकि जो इसका मैनेजमेंट है, जैसे हमारी गाड़ियों में ECU होता है, इसमें VCU है, ये व्हीकल कंट्रोल यूनिट है, जैसे उसमें इंजन कंट्रोल यूनिट होता है। पर जो मैनेजमेंट है, जो कंप्यूटर हैं, अब कंप्यूटर वगैरह सारे हमारे मॉड्यूल्स वगैरह सारे हमारे हाई वोल्टेज पे नहीं चलते, वो शॉर्ट हमारी लो वोल्टेज पे चलते हैं। सो उनके लिए हमारे पास लो वोल्टेज सिस्टम है, जैसे आप देख सकते हो हमारे पास छोटी तारें भी हैं यहाँ पे, ये सारी छोटी तारें हमारी लो वोल्टेज पे चलती हैं। आपका कूलेंट टैंक है यहाँ पे, अब ये कूलेंट टैंक हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसे भी ठंडा करता होगा, जो बैटरी है उसे भी ठंडा करता होगा। सो ये डिपेंड करता है कि किस गाड़ी में बैटरी को ठंडा करने का कौन सा तरीका यूज़ किया जाए। किसी किसी गाड़ी में AC की हवा को यूज़ किया जाता है बैटरी को ठंडा करने के लिए, किसी किसी गाड़ी में कूलेंट को यूज़ किया जाता है बैटरी को ठंडा करने के लिए। और आपको मैं इसकी इन्वर्टर असेंबली दिखाता हूँ। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ इसकी इन्वर्टर असेंबली है, वहाँ पे आप देख सकते हो एक फ़िल्टर की जगह बनी हुई है, जो फिल्टर जो हवा अंदर कैबिन में जाती है, आपका कैबिन वाला एयर फिल्टर होता है उसकी यहाँ पे स्पेस दी गई है। आपका ब्रेक वाला जो एक्चुएटर है, जो ABS यूनिट है, वो भी वैसे ही लगा हुआ है। और यहाँ पर जहाँ इंजन होता है वहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, नीचे इलेक्ट्रिक मोटर है, एक कन्वर्टर यूनिट भी लगा हुआ है, इन्वर्टर यूनिट भी लगा हुआ है। इन्वर्टर अब क्योंकि बैटरी में DC वोल्ट है और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो AC पे चलती है। अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको विस्तार से इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा कि AC से DC क्या है, DC वोल्टेज कहाँ पे है, और कन्वर्ट कैसे होती है, इन्वर्ट कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर सारे का सारा जो चलता है हाई वोल्टेज सिस्टम चलता है वो जहाँ से चलता है, ये हाई वोल्टेज वाली तारें हैं जिस पे हाई वोल्टेज, जब गाड़ी चल रही है हाई वोल्टेज आपको देखने को मिलती है, और नीचे इलेक्ट्रिक इसकी मोटर लगी हुई है। उसके साथ साथ ये जो कनेक्टर लगे हुए हैं काले वाले, ये कनेक्टर और ये जो तारें लगी हुई हैं ये लो वोल्टेज की तारें हैं, इन पर कोई ऑरेंज कलर नहीं है, सो यहाँ पर हाई वोल्टेज नहीं है। पर ये क्यों ये छोटी तारें लगी हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कंट्रोल यूनिट यहाँ पर लगा हुआ है, और कंट्रोल यूनिट चाहे कोई भी हो वो लो वोल्टेज पर ही चलेगा,
और यहाँ पे हमारे पास कूलेंट का, वहाँ पे देख सकते हो आप नीचे कूलेंट की ये पाइप आ रही है। अब सो ये इन्वर्टर यूनिट है, जो ये भी कूलेंट ही ठंडा कर रहा है, इसे ठंडा रखने के लिए भी कूलेंट को यूज़ कर रहे हैं। सो बाकी इसमें सारा कुछ हमारा एक तरफ, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए जैसे हमारी गाड़ी में ईसीयू दिया जाता है वहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी दिया गया। सो एक हद तक बताऊँ, ये फ्यूज़ पैनल है हमारा, फ्यूज़ बॉक्स है, हमारे जैसे फ्यूज़ बॉक्स आम गाड़ियों में होता है वैसे इसमें भी फ्यूज़ पैनल लगा हुआ, अगर ये खुल जाए तो, जैसे आप देख सकते हो। सो बाकी सारा कुछ हमारा ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे आम गाड़ियों में होता है, पर फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत डिफरेंट हैं। आपके पास कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, कोई पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर है, सीधा हमारे पास अल्टीमेट जो मैक्सिमम टॉर्क है वो हमें मिल जाती है। अब ये चीज़ें एक मिनट जहाँ वीडियो में कवर करनी बहुत मुश्किल है, आपको मैं आराम से बताऊँगा, समझाऊँगा कौन सी चीज़ कैसे चलती है और क्या क्या आपको ईवी की गाड़ियों में देखने को मिलता है। अब इंडिया में टाटा की, महिंद्रा की ईवी की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, उनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। हर एक गाड़ी कवर नहीं कर सकते, पर मैक्सिमम जितना हो सकता है मैं आज कवर करने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा हमने EV6 के बारे में आपको दिखाया, उसमें इन्वर्टर यूनिट है जो ऊपर लगा हुआ, उसके नीचे उसकी मोटर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर है, पीछे गाड़ी के नीचे, पीछे भी क्या, उसके बिल्कुल बॉडी के नीचे सारी की सारी, आगे से पीछे लेकर पीछे तक एक हाई वोल्टेज बैटरी लगी हुई है, और जो इंजन मैनेजमेंट या व्हीकल कंट्रोल यूनिट है या जितना भी मैनेजमेंट वाला काम है, जितने भी सेंसर हैं हमारे, वो सब हमारे लो वोल्टेज सिस्टम पे चलते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी में हमारे पास कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर आता है, वैसे इसमें मोटर पोजीशन सेंसर होता है, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है, बिल्कुल वही फंडा है उसका, वही उसमें 5 वोल्ट या 12 वोल्ट की रेफरेंस आएगी, ग्राउंड होगा, एक सिग्नल होगा। अब क्वेश्चन था जो हर एक इंसान मुझसे पूछता है, हर एक भाई पूछता है कि हमें ईवी में अगर जाना पड़ेगा तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, क्या हमें नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे काम करने के लिए। सो पहली चीज़ जो मैंने जैसे अभी बता के हटाऊं कि आपको सेंसर टेस्टिंग और इलेक्ट्रिकल्स में नॉलेज होनी आपकी अच्छी चाहिए, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं तो कुछ देखिए मैकेनिकल काम फिर भी होगा, है ना, सस्पेंशन होंगे फिर भी, शॉक वगैरह होंगे, ब्रेक्स होंगी, पर ईवी गाड़ियों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, और मैक्सिमम कंपनियों की ये कोशिश है कि ब्रेक्स गाड़ी की सारी उम्र निकाल दे। सो ब्रेक पैड ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में डाले जाते हैं कि जो जल्दी ना घिसे, अगर ब्रेक्स भी घिस नहीं रहे, सस्पेंशन भी इतना ज़्यादा, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि सस्पेंशन की वजह से आपका काम चलता रहेगा, वो बहुत ही मुश्किल वाली बात है, क्योंकि अकेला सस्पेंशन का काम करके वर्कशॉप नहीं हम चला सकते। सो आपको अगर ईवी में जाना है, अगर ईवी आपको ऐसे है कि ईवी के बगैर आपका काम नहीं चल सकेगा, बिजनेस आगे नहीं चल सकेगा, तो आपको इलेक्ट्रिकल का सीखना ही पड़ेगा, और इसी वजह से हमने VTEC की पेड ट्रेनिंग शुरू की थी, ताकि हम इलेक्ट्रिकल का सभी भाइयों को समझा सकें, और जैसे जैसे ईवी की टेक्नोलॉजी आती जाएगी वैसे वैसे हम उनको ईवी का भी साथ साथ में समझाते जाएंगे, ताकि आपकी वर्कशॉप में जब भी ईवी आए तो आपको उस पर काम करने में मुश्किल ना आए। सो जो इलेक्ट्रिकल का है, हमने इलेक्ट्रिकल का पेड ट्रेनिंग में कवर किया था, और इलेक्ट्रिकल में आपकी जितनी भी वॉट है, आपकी एम्प्स है, आपकी वोल्टेज है, आपकी रेजिस्टेंस है, यही चीज़ें आपको ईवी में भी देखने को मिलेंगी, जो इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स हैं। उसके अलावा जो सेंसर्स हैं, जो पोजीशन सेंसर हैं, जो प्रेशर सेंसर हैं, जो टेम्परेचर सेंसर हैं, ये सारे वो ही हैं जो हमारी आम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में हमें देखने को मिलते हैं, और ये ईवी में भी आपको मिलेंगे। अगर आपको ये सेंसर पेट्रोल डीजल में नहीं चेक करने आते तो ईवी में भी आपको बहुत मुश्किल आएगी, और ईवी में तो ज़्यादातर आपको मुश्किल आएगी, क्योंकि ईवी की इंफॉर्मेशन भी लेनी बहुत मुश्किल हो रही है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप आगे जाके ईवी का काम सीखना चाहते हैं, देखिए एक सच बात आपको दिल से बताता हूँ, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से ज़्यादा इजी है आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए इजी है क्योंकि इसमें कोई इंजन नहीं है, कोई इसमें फ्यूल एयर फ्यूल रेशो या फ्यूल ट्रिम नहीं आप चेक कर रहे, कोई इग्निशन मैप नहीं चेक कर रहे, कोई इसमें पावर स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक नहीं है, सिंपल आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो AC टू DC कर रहा है, DC टू AC कर रहा है, क्योंकि आपकी जो मोटर है वो AC पे चलती है। ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस वो क्वेश्चन है जो बार बार मुझे भाइयों से आ रहे हैं उनके मैं आंसर देना चाहता हूँ पहले आपको। और दूसरा क्वेश्चन कि क्या हमारा बिजनेस जल्दी खत्म हो जाएगा अगर अब जैसे ईवी गाड़ियां आ रही हैं। अब ईवी गाड़ियों की मुश्किल क्या है, मुश्किल नहीं कहना चाहता,
ये चक्कर क्या है सारा कि जो BS6 आया है ना, भारत स्टैंडर्ड 6 आया जो इंडिया में एमिशन स्टैंडर्ड, ये अकेला इंडिया में नहीं आया, ये पूरे दुनिया भर में एमिशन स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज बहुत आ रहा है। उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बना दी जाती हैं कि गाड़ी का इंजन है जो पेट्रोल या डीजल, उसमें से ज़्यादा एमिशंस ना निकलें ताकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। और जितने वो स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, कंपनियों के पास ऑप्शन नहीं बचता कि वो कैसे इस किसी इंजन को इतना अच्छा बनाए कि उसमें से एमिशंस ना हो, इसलिए कंपनियों को मजबूरन ईवी में घुसना पड़ रहा है। सो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो कंपनी ईवी में नहीं आएगी कभी, उसे आना पड़ेगा क्योंकि सड़कों पे ईवी के अलावा कुछ चलना अलाउड ही नहीं होगा। सरकार को मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, कंपनियों को ये मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऐसे बन रहे हैं पूरी दुनिया में। सो ईवी में आपको आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। अगर आप ईवी का काम नहीं करेंगे तो बहुत सारा काम जो दूसरी वर्कशॉप वाले कर रहे हैं वो आपके हाथ से निकल जाएगा, और वो जितना काम आप नहीं कर पा रहे वो ही आप पैसा एक तरीके से दूसरे के हाथ में भेज रहे हो, है ना। सो अगर मेरी माने तो मैं कहूँगा कि आप ईवी का आज से शुरू कर दें, इलेक्ट्रिकल का सीखना शुरू कर दें, सेंसर टेस्टिंग वगैरह सीखना शुरू कर दें, जो इंजन का मेन है वाल्वट्रॉनिक जो, वो अगर आप ईवी में ही अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं तो वो चीज़ें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसमिशन के अंदर प्लेनेटरी गियर सेट कैसे चलता है, जो प्रेशर सोलेनोइड्स हैं वो कैसे चलते हैं, ये आपको चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईवी में ट्रांसमिशन भी आपका सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन होता है, रिडक्शन गियर टाइप होता है। सो वो भी चीज़ें आपकी बच गई हैं। सो अगर आप ईवी सीखना चाहते हो तो आपको पेट्रोल डीजल ट्रांसमिशन ये चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सीधा ईवी का सीखें, इलेक्ट्रिकल का सीखें जो हम अपनी वीटेक की ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि समझाता हूँ सिखाता हूँ, जैसे आप पुरानी वीडियोस में भी देख चुके हैं, मेरा मकसद चैनल का ये होता है, वीडियो बनाने का होता है कि आपको सीख के जाएं यहाँ से, टाइम आपका भी बहुत कीमती है, टाइम हमारा भी बहुत कीमती है। तो आईपैड पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कौन सी जगह पे क्या लगा होता है, और दो तीन टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, दो तीन टाइप की इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं, एक हाइब्रिड होती है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक होती है, एक प्लग इन हाइब्रिड होती है। सो ये अलग अलग कंपनियों की जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये कौन सी होती हैं, और किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जब आप स्पेसिफिकेशन चेक करते हो उस पर किलोवाट आवर, उस पर एम्पियर आवर ऐसा कुछ लिखा होता है, उन चीज़ों का मतलब क्या है ना। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझते कि कोई कंपनी किसी गाड़ी को कौन सी स्पेसिफिकेशन से रेडी कर रही है, तब तक आप कैसे गाड़ी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आईपैड पे मैं आपको सिखाता हूँ कि ईवी गाड़ियों में लगा क्या क्या होता है। सो दोस्तों जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, सो सबसे पहली चीज आती है हमारी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फिर आती है प्लग इन हाइब्रिड, फिर आती है बैटरी इलेक्ट्रिक। अब इसमें इसे सिंपल अगर मैं आपको बताऊं एक याद रखने का तरीका, चाहे आप कह लीजिए, अब देखिए हाइब्रिड का क्या मतलब है, हाइब्रिड का जैसे मतलब है, हाइब्रिड का मतलब है दो अलग अलग चीजें। अब हाइब्रिड गाड़ी में क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, आपके पास पेट्रोल इंजन भी होता है, चाहे वो डीजल इंजन हो चाहे वो पेट्रोल हो, सो आपके पास गैस टैंक भी होता है और आपके पास बैटरी भी होती है। सो आप इंजन से भी, जो पेट्रोल इंजन है उससे भी गाड़ी चला सकते हो, और आप इलेक्ट्रिक मोटर से भी गाड़ी चला सकते हो। सो हाइब्रिड की गाड़ियां जैसे टोयोटा की गाड़ियां बहुत कॉमन है, टोयोटा के जो ट्रांसमिशन है उसमें दो मोटर्स लगी होती हैं, MG1 लगी होती है, MG2। MG1 होती है मोटर जनरेटर 1 और मोटर जनरेटर 2। अब जो टोयोटा की गाड़ियां हाइब्रिड गाड़ियां, वो ज्यादा टाइम आप बैटरी पे नहीं चला सकते, वो एक आध किलोमीटर बैटरी पे चलेगी और उसके बाद इंजन चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बैटरी है वो बहुत छोटी है और जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे ही आप रेस देते हो इंजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंजन को मेन काम करना पड़ रहा है। उसके बाद आती है हमारे पास प्लग इन हाइब्रिड। अब प्लग इन हाइब्रिड बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक ये हाइब्रिड की तरह ही है, बस एक चीज अलग है, इसमें प्लग मिल जाता है आपको, आप इससे घर पे चार्ज कर सकते हैं अपनी बैटरी को, बैटरी थोड़ी सी बड़ी होती है। अब यहां पे देखिए, इसमें पेट्रोल का टैंक बड़ा है, बैटरी छोटी है, इसमें पेट्रोल का टैंक छोटा है और बैटरी बड़ी है। ये इसलिए क्योंकि जो प्लग इन हाइब्रिड है ये ज्यादा टाइम बैटरी पे चल सकती है, इलेक्ट्रिक मोटर चला सकती है गाड़ी को और ज्यादा टाइम बैटरी पे चल सकती है, और पेट्रोल का इंजन तभी काम आता है जब उसने बैटरी को चार्ज करना हो। जहां आप एकदम रेस दे दिए, आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, जहां आपने ओवरटेक करना है किसी गाड़ी को, तब आपका इंजन साथ में स्टार्ट हो जाएगा ताकि वो साथ दे सके उस पावर आउटपुट में। अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब आप खुद देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ईजी है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखिए इंजन ही नहीं है हमारे पास, सारा खत्म हो गया। सो ये चीज हमारी यहां से खत्म होगी। सो हमारे पास सिंपल बैटरी है,
एक प्लग है जिससे वो बैटरी चार्ज होनी है, और इलेक्ट्रिक मोटर है जो गाड़ी को चला रहा है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितना सब ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैसे सीखेंगे, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मेरी ओपिनियन है, देखिए पेट्रोल डीजल जितनी भी गाड़ियां, मैं कितनी गाड़ियां पिछले 10 साल से डायग्नोस कर चुका हूं। सो कोई भी गाड़ी आती है तो डायग्नोस करना कभी ऐसा नहीं होता कि यार पता नहीं कैसे होगी ये डायग्नोस या कुछ, क्योंकि इतनी बार हमने डायग्नोस्टिक्स कर चुके हैं। पर फिर भी इतना कुछ सीखने के बाद भी आज मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर वाली जो गाड़ियां हैं, जो हमारी फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये उससे भी ईजी है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल का एक बार सीख जाएं, आप ईवी के कंसेप्ट को सीख जाएं, आप सच बताऊं आप मन से कहेंगे कि ईवी की गाड़ियां जल्दी मार्केट में आए ताकि हम उस पर काम करना शुरू कर दें। सो दोस्तों, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, हमारे पास ये एक मैंने पिक्चर ऐड की है जिसमें सारा कुछ बताया हुआ है। सो अगर यहां पर देखें, सिंपल हमारे पास टायर है, सारी गाड़ी के नीचे हमारे पास एक बड़ा बैटरी पैक है, यहां पर बस बार्स लगी हुई है जो एक बैटरी मॉड्यूल को दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, और जो बैटरी का एक पैक होता है उसे ये मॉड्यूल कह देते हैं। अब बैटरी पैक में सिंपल छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, जो किया की गाड़ी हमने देखी है आज, उसमें 144 सेल्स लगे हुए हैं, और एक सेल उसमें 5.5 वोल्ट का होता है। अगर 5.5 वोल्ट को 144 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 700 कुछ वोल्ट आ जाते हैं, 790 या 795 वोल्ट आ जाते हैं, श्योर नहीं हूं मैं अगर मल्टीमीटर, सो 972 हमारे पास, कैलकुलेटर हमारा पीछे था, 792 क्योंकि 800 वोल्ट की ये गाड़ी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो 800 वोल्ट का हमारे पास आर्किटेक्चर है, तो 792 वोल्ट आ रहे हैं, और ये है इसकी नॉमिनल वोल्टेज। नॉमिनल वोल्टेज क्या होती है कि जब ये गाड़ी की बैटरी को असेंबल करते हैं तो उस टाइम जो वोल्टेज होती है सेल की, वो नॉमिनल वोल्टेज होती है। जब आप फुली चार्ज कर लोगे इस सेल को, शायद ये 5.5 की जगह 5.8 वोल्ट हो जाए, जिससे ये पूरी 800 वोल्ट या 805 वोल्ट हो जाए। ठीक है, अब टेस्ला की गाड़ी है, टेस्ला कहती है कि हमारी गाड़ी 400 वोल्ट है, जब अब वो फुली चार्ज हो जाती है वो कभी कभार 405 वोल्ट भी हो जाती है, क्योंकि वो बैटरी पैक नॉमिनल वोल्टेज होती है उसकी। इसे मैं एक बार क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, ओके सो इसे क्लियर किया मैंने। सो यहाँ पे हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं, ट्रांसमिशन का मतलब है इनका गियर रिडक्शन सिस्टम लगा होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, और इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे लगी है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर पीछे भी लगी होती है अगर ये ऑल व्हील ड्राइव है। सो जैसे आम गाड़ियों में हमारे पास डिफरेंशियल लगे होते हैं, इसमें हमारे पास एक्सल ही होता है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सल होता है, इलेक्ट्रॉनिक ही उसमें मोटर लगी होती है, एक एक्सल पीछे हो गया एक एक्सल आगे हो गया। सो एक चीज और कम हो गई हमारी, वो है इसकी ड्राइव शाफ्ट। अब ड्राइव शाफ्ट जो फ्रंट टू बैक होती है ऑल व्हील ड्राइव वाले में, वो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास पीछे मोटर अलग है। सो ड्राइव शाफ्ट वाला काम हमारा सारा खत्म हो चुका है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एक स्टैंडर्ड फोटो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, ये VCU भी कह देते हैं, या किसी किसी में अलग अलग नाम है इसके, है ना। सो वो कंट्रोल करता है कि जितना भी आपके मोटर को करंट जाना है, क्योंकि इसमें जो मोटर लगी होती है गाड़ी में वो AC मोटर होती है, वो परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर होती है, AC की मोटर होती है, जहाँ वो इंडक्शन मोटर होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी की गाड़ी है। ज़्यादातर जो आज कम गाड़ियाँ आ रही हैं वो परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर उसमें लगी होती है। सो तीन फेज वाली वो मोटर होती है, UVW उसके तीनों फेज होते हैं, 120 डिग्री एंगल से वो उसको करंट सप्लाई करते हैं। ये पूरा मोटर का चैप्टर है, क्योंकि अब देखिए आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो पूरा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से हर एक चीज़ समझने लगे तो दिन लग जाएंगे कहीं मुझे ये चीज़ें समझाते, क्योंकि बैटरी का चैप्टर अलग है, मोटर का चैप्टर अलग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर अलग है, जो हमारा लो टू हाई वोल्टेज या हाई टू लो वोल्टेज DC to DC कन्वर्टर है उसका चैप्टर अलग है, एक्सल या रिडक्शन गियर्स का चैप्टर अलग है। सो टॉपिक बहुत ज़्यादा है, और देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको कोर्स करना पड़ता है पूरा, है ना, महीने निकल जाते हैं इस कोर्स में। मुझे लगता है पिछले 6 महीनों से मैं इसके कोर्स ही करता जा रहा हूँ और ख़त्म नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा ईवी की पढ़ाई बाहर पड़ी है जो आपको पढ़नी पड़ती है ईवी का पूरी तरह से जानने के लिए। सो आज जो मेरा मकसद है वो आपको ये बताने के लिए कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हो कि नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो सकते हो तो कैसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को लेकर जा रहे हो, है ना। हमको पता होना चाहिए कि हम कौन सी स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद आप
अगर कई बार होता है हम किसी चीज़ में ज़्यादा टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर वो फिर बाद में हमें सूट नहीं करती, हमें लगता है कि यार ये गलत डिसीजन था, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। सो वो मेरा मकसद है आपको बताने के लिए कि क्या ईवी पे आप काम कर सकते हो कि नहीं। पर बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और ये जो बैटरी है, ये बैटरी 400 वोल्ट की भी हो सकती है, 800 वोल्ट की भी हो सकती है। जो पुरानी टोयोटा की बैटरी थी वो 300 वोल्ट की होती थी। अब धीरे धीरे ये बैटरी वोल्टेज बढ़ती जा रही है। ये 300 से शुरू हुए थे, पहले 48 वोल्ट थी, वो माइल्ड हाइब्रिड होती थी। अब ये 800-900 वोल्ट तक आ गए हैं। कुछ गाड़ियाँ अमेरिका में लूसिड कंपनी है, उसकी 900 वोल्ट की बैटरी आती है। वोल्ट बढ़ाने से क्या हो रहा है कि एम्परेज है, जो करंट फ्लो है वो कम हो रहा है और काम उतना ही हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है कि वोल्ट बढ़ाने से करंट फ्लो कैसे कम हो रहा है ना, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग है उसे प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर की हैं। सो जितना वो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उतनी हमारी करंट फ्लो की जो जो स्पेसिफिकेशन है वो कम हो रही है, और उतनी ही इनको पतली तारें यूज करनी पड़ रही हैं, इतनी मोटी तारें यूज नहीं करनी पड़ रही, और काम एफिशिएंसी है जो वो उतनी ज्यादा हो रही है, जो इंजन की एफिशिएंसी है, जो मोटर है सॉरी इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी उतनी ज्यादा हमें एफिशिएंसी देखने को मिल रही है। सो ऐसा ही आपको सिस्टम हरेक ईवी में देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म इसका सेम होगा, अगर वो ऑल व्हील है तो दो मोटर लगी होंगी, अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे मोटर लगी होगी, अगर रियर व्हील ड्राइव है तो पीछे मोटर लगी होगी, और उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्सा लगा होगा जो वो सारा कुछ समझ रहा है। और जो बैटरी है, जैसे हमारे पास एक मॉड्यूल होता था, अब इस बैटरी पैक में कम से कम 24 या 30 मॉड्यूल्स होंगे। अगर 24 जितने भी मॉड्यूल होंगे उतने ही इसके, अब देखिए आज तक हम कहते आए हैं मॉड्यूल है वो जो कंप्यूटर है, पर जो बैटरी का पैक है उसे भी ये मॉड्यूल कहते थे, और उसके ऊपर उसका कंप्यूटर लगा होता है। सो बैटरी के ऊपर, हर एक छोटी छोटी बैटरी के ऊपर अलग अलग उसका कंप्यूटर लगा है, और सभी को जो मॉनिटर करता है, देखता है, वो है बैटरी मॉनिटरिंग यूनिट, और वो आगे मेन कंप्यूटर से बात करता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ी है ये तारों से भरी हुई है, हर जगह तारे ही तारे हैं, हर जगह कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन है। बहुत से भाई आज भी कैन सिस्टम को लेके, कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कैन सिस्टम का फॉल्ट आ गया, सर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, स्कैन टूल नहीं कनेक्ट हो रहा, मॉड्यूल नहीं बात कर रहा, प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है ना। उसके बाद हमारा कैन के बाद लेंस सिस्टम आ जाता है, हमारा फ्लैक्स रे आ जाता है। इतना कुछ अभी सीखना पड़ा है हमारे लिए। और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम अगर करना शुरू करें तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि कैन सिस्टम, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तारे ही तारे हैं और कुछ नहीं है। सो अगर आप तारों के साथ काम करने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगी। यहां पर मैंने आपको दिखाया, एक हमारे पास फ्रंट मोटर है, ये रियर मोटर है। इसमें अगर आप देखें कि यहां पे हमारी एक मोटर लगी हुई है, यहां पे ये बैरिंग लगी हुई है, ये मोटर की वाइंडिंग है, ठीक है जी, ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये उसकी स्टेटर वाइंडिंग है, ये उसका स्टेटर, ये उसका रोटर है, और यहाँ पे उसका इन्वर्टर है जो सारा कुछ कैलकुलेट करता है, मॉनिटर करता है, जो सप्लाई देता है डीसी पावर पीछे से क्योंकि बैटरी, देखिए एक चीज याद रखिए, बैटरी डीसी है पर मोटर एसी है। सो वो डीसी बैटरी से मोटर एसी को चलने के लिए वो डीसी टू एसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे कहते हैं इन्वर्जन। वही काम आपका इन्वर्टर करता है, वो जो इतनी डीसी पावर आ रही है उसको एसी बनाता है ताकि वो इलेक्ट्रिक मोटर को चला सके। इलेक्ट्रिक मोटर एसी वाली ज्यादा एफिशिएंट होती है डीसी से। यहाँ पे जो गियर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बैरिंग यहाँ पे लगी है, बैरिंग यहाँ पे लगी है, बैरिंग यहाँ पे लगी है। ये जो गियर सेट देख रहे हैं ये रिडक्शन गियर, ये ट्रांसमिशन की जगह रिडक्शन गियर सिस्टम लगाया जाता है, और रिडक्शन गियर की हम रेशो निकालते हैं कि कितनी रेशो है। ज्यादातर आप किसी गाड़ी का स्पेसिफिकेशन देखेंगे वहां पे लिखा होगा गियर रेशो 9:9:1, 7:9 के बीच बीच में रिडक्शन गियर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिडक्शन है इसके कितने दांत हैं, ये दो देखिए, रिडक्शन गियर में भी आगे बहुत लंबा चले जाता है। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा बारीकी में ना जाऊं, पर फिर भी कुछ ना कुछ करते बारीकी में जाना चले जाता हूं मैं, पर मैं नहीं चाहता कि हम रिडक्शन गियर के बारे में बात करें यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर एक गाड़ी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये जो छोटी वाली होती है, उस पर रिडक्शन गियर आपको जरूर समझाऊंगा क्विकली ताकि आपको समझ आ जाए। और ये रियर वाली मोटर है, ये वो, इसमें भी बिल्कुल सेम चीज है। यहाँ पे हमारे पास मोटर है, ये उसका स्टेटर है, यहाँ पे उसका रोटर है, ये हमारे रिडक्शन गियर है।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब ज़्यादातर लोग हमारे कहते हैं कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में मैं काम जानता हूँ या मैं सीखता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का सीखता हूँ। जब हम किसी कंपनी की स्पेसिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टियागो ईवी है, जो टाटा की टियागो गाड़ी आ रही है, अगर आप गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हो, उसका स्पेसिफिकेशन डाउनलोड करते हो, तो उसके उसमें ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास ऐसी। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, है ना, इसका मतलब क्या है? जब तक हम गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस को ही नहीं समझते, हम गाड़ी को कब समझना शुरू करेंगे? मोटर टाइप की, जो इलेक्ट्रिक मोटर इस गाड़ी में दी गई है वो कौन सी टाइप की है? यहाँ पे लिखा है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस वो होती है जिसमें उसका मोटर का जो रोटर होता है और स्टेटर होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो एक दूसरे से सेम होती है, वो सिंक्रोनस होती है, है ना, वो सेम होती है। तो देखिए मोटर वाला जो चैप्टर है ना, ये मैं आपको सच बताऊं, यूट्यूब पर इतनी बढ़िया वीडियोस पड़ी हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप सिंक्रोनस मोटर पे, कि आप वो वीडियोस देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यूट्यूब से आप सब कुछ सीख सकते हो। सो जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है, अगर आप मोटर्स के टाइप पे बारे में सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाएं, वहां पे लिखे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर और वो कैसे काम करती है, कौन कौन सी उसमें वाइंडिंग्स कैसे लगी हुई हैं, वो आप सीख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी है इलेक्ट्रिक मोटर पावर, कि इस गाड़ी में जो मोटर आती है, दो गाड़ी के दो मॉडल आते हैं इस गाड़ी में, एक मीडियम रेंज एक लॉन्ग रेंज, दो अलग अलग मॉडल हैं, दोनों में अलग अलग पावर आउटपुट की मोटर है। इसमें 45 किलोवाट की है, इसमें 55 किलोवाट की है। अब किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर पे ही नहीं यूज होता, जे आम जो पेट्रोल या डीजल इंजन है उसमें भी हम किलोवाट ही यूज करते हैं। किलोवाट होता है कि किसी इंजन की, किसी मोटर की मैक्सिमम आउटपुट। इंडिया में हम बीएचपी यूज करते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर यूज करते हैं या हॉर्स पावर यूज करते हैं, पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हम हॉर्स पावर भी और किलोवाट भी यूज करते हैं। ज्यादातर आप किलोवाट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, जितनी भी स्पेसिफिकेशन आती हैं वो किलोवाट में होती हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। सो यहाँ पे लिखा है ये 45 किलोवाट की मोटर आउटपुट है, ये 55 किलोवाट की मोटर आउटपुट है, इसको आप हॉर्स पावर में भी चेंज कर सकते हो। उसके नीचे उसी मोटर की टॉर्क दी गई है। अब टॉर्क आपको जैसे पता है ये ट्विस्टिंग फोर्स होती है, 110 न्यूटन मीटर की हमारे पास छोटी वाली मोटर से टॉर्क आउटपुट है, 114 न्यूटन मीटर की हमारे पास बड़ी वाली मोटर की आउटपुट है, सॉरी टॉर्क आउटपुट है। अब हॉर्स पावर और टॉर्क के बीच में अगर आप एक एग्जांपल लें, अगर आप सोचें कि यार इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे इसे समझा जाए, एक बहुत पुरानी मेरे दिमाग में किसी ने एक बात बताई थी मुझे इन दोनों को समझने के लिए, अगर आप एक गाड़ी ले और एक दीवार ले, अगर आप तेज गाड़ी चला के उस दीवार में मारें, कितनी तेज आपने गाड़ी उस दीवार में मारी वो हॉर्स पावर, और कितनी दूर आप उस दीवार को घिसते हुए ले गए आगे, वो होती है उसकी टॉर्क। सो ये चीज मैंने बहुत पहले सुनी थी और तब से मेरे दिमाग में है। सो एक इस तरीके से मैंने उसे याद रखा, टॉर्क है कि ट्विस्टिंग फोर्स कितनी है। मैक्सिमम लोग टॉर्क को ज्यादा पसंद करते हैं, हॉर्स पावर को नहीं। हॉर्स पावर हो जाता है कि कितनी जल्दी कहां तक पहुंचना है, टॉर्क होता है कितनी ज्यादा जान है उस इंजन में, है ना। ज्यादातर जो ट्रक होते हैं, बड़े ट्रक, उनकी टॉर्क देखी जाती है, हॉर्स पावर नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लोड खींचना होता है पीछे, इतना बड़ा कंटेनर होता है उसमें पावर इतनी है। और जो रिडक्शन गियर है ये टॉर्क मल्टीप्लीकेशन के काम आते हैं, जो और जो आपका टॉर्क कन्वर्टर होता है वो भी टॉर्क मल्टीप्लाई करता है। हम टॉर्क कन्वर्टर सुनते हैं ना गाड़ियों में, टॉर्क कन्वर्टर होता है, वो टॉर्क मल्टीप्लीकेशन का काम करता है। उसके बाद हमारे पास ड्राइव मोड आ गए। इसमें दो ड्राइव मोड है, स्पोर्ट्स एंड सिटी वाला, जो आम गाड़ियों में भी आपको ड्राइव मोड देखने को मिलता है। बैटरी पैक यहाँ पे लिखा है 19.2 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर, दो बैटरी पैक दिए गए हैं। अब देखिए जिस, एक मिनट इसे मैं क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे देखिए जो गाड़ी हमारी लॉन्ग रेंज वाली थी, ये लॉन्ग रेंज वाली है, इसकी मोटर भी बड़ी है, उसकी किलोवाट आउटपुट भी ज्यादा है और उसकी बैटरी भी बड़ी है इससे। अब बैटरी इसलिए बड़ी है क्योंकि वो लॉन्ग रेंज है, वो ज्यादा दूर तक गाड़ी जा सकती है फुली चार्ज होने के बाद। अब किलोवाट आवर क्या है, किलोवाट आवर को याद रखने का सिंपल तरीका पता क्या है, ये फ्यूल टैंक की तरह है। अगर आपकी गाड़ी में 60 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको पावर देगा इंजन को आगे चलाने के लिए, जितनी ज्यादा किलोवाट आवर बैटरी होगी उतनी ज्यादा बैटरी की कैपेसिटी है। ये सिंपल आप याद रखिए, किसी बैटरी की कैपेसिटी को हम किलोवाट आवर से ही मेजर करते हैं। सो हमारे पास 24 किलोवाट आवर की बैटरी है और एक तरफ 19 किलोवाट आवर की बैटरी है, सो ऑफकोर्स 24 किलोवाट वाली की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा देर चलेगी। बहुत जगह पे आप बैटरी के साथ साथ एम्पियर आवर भी देखेंगे, AH,
वहां पे लिखा होगा AH। अब एम्पियर आवर क्या होता है कि एक घंटे में बैटरी कितने एम्प्स का कांस्टेंट करंट फ्लो दे सकती है। सो कुछ गाड़ियां होगी वो 46 एम्पियर आवर होती हैं, कुछ गाड़ियां 50 एम्पियर आवर होती हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी है, उसकी बैटरी टाइप कौन सी है। इसमें टाटा ने हमें एम्पियर आवर स्पेसिफिकेशन उस बैटरी की नहीं दी, और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी नहीं दिया कि वो बैटरी कौन सी टाइप की है, वो लिथियम आयन बैटरी है कि वो सोडियम आयन बैटरी है कि वो निकल हाइड्राइड बैटरी है। इन्होंने बैटरी की भी स्पेसिफिकेशन नहीं दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर कोई ईवी की गाड़ी ले रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास लिक्विड कूल्ड की थर्मल मैनेजमेंट क्या है, कि वो जो जितना भी सिस्टम है, बैटरी सिस्टम है, उसको ठंडा कैसे किया जा रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैटरी ठंडे क्यों कैसे होनी है, क्योंकि बैटरी है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये सब ने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और इंडिया में आप पहले ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और उसके ऊपर सड़क से भी गर्मी आ रही है, धूप से भी गर्मी आ रही है, इलेक्ट्रिक मोटर भी गर्मी प्रोड्यूस कर रही है, बैटरी भी गर्मी प्रोड्यूस कर रही है, इतनी सारी गर्मी को निकालना कैसे है? अगर नहीं निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक मोटर की वाइंडिंग है वो सड़ जाएगी। हम कह देते हैं मोटर सड़ गई, वो मोटर गर्म बहुत ज़्यादा होगी सड़ जाती है। घर में हम बहुत टाइम से एसी मोटरें यूज़ कर रहे हैं, पानी वाली मोटरें यूज़ कर रही हैं, सेम फंडा ही है कहीं ना कहीं तक, किसी हद तक। इसमें लिक्विड कूल्ड है, किसी में एयर कूल्ड होती है। लिक्विड कूल्ड का मतलब कि कोई ना कोई कूलेंट का जरिया बनाया होगा, जो कूलेंट बैटरी में से भी फ्लो होगा, इन्वर्टर में से भी फ्लो होगा, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर में से भी फ्लो होगा, ताकि वो सभी को ठंडा रख सके। यहाँ पे मोटर पैक और इंग्रेस प्रोटेक्शन, इंग्रेस प्रोटेक्शन मतलब कि पानी और मिट्टी इसमें ना घुस जाए, बैटरी यूनिट में, इन्वर्टर यूनिट में, किसी चीज़ में। तो IP67 ज़्यादातर आपको फोन्स में देखने को मिलेगा, जब आप नया फ़ोन लेते हो वहाँ पे लिखा होता है IP67 कि इस फोन में गंदगी नहीं फंसेगी। और IP67 एक मीटर तक पानी में भी अगर आप डुबो के रखो किसी भी चीज़ को जो IP67 कंप्लायंट है, आप उसे पानी में डुबो के रखो तो वो उसमें पानी नहीं जाता। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन दी हुई है 6.2 या 5.7, और जीरो अमीशन करने के लिए ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में आज आपको बार बार देखने को मिल रही हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्योंकि जब आप गाड़ी चल रहे हो, चला रहे हो, तो मोटर टायर घुमा रही है, पर जब आप ब्रेक मार रहे हो, जब ब्रेक रेस से पैर छोड़ दो, तो वो टायर खुद घूम रहे हैं और वो मोटर को घुमाते हैं अंदर, उससे मोटर बिजली बनानी शुरू कर देती है, वो बिजली दोबारा बैटरी को चार्ज करने के काम आ जाती है। अब यहाँ पर वो फिर से इन्वर्टर का काम आता है, क्योंकि जो बैटरी जो बिजली बनाएगी मोटर, वो एसी होगी, वो एसी फिर से इन्वर्टर में जाएगी, इन्वर्टर से वो बैटरी पैक में जाएगी। सो ट्रांसमिशन हमारे पास फुली ऑटोमेटिक ड्राइव है, सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन है, और उसके बाद तो हमारा जो सिंपल स्टीयरिंग, ब्रेक, सस्पेंशन, चार्जिंग, वारंटी, ये सिंपल चीज़ें आ गई हैं जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। चार्जिंग इम्पॉर्टेंट है, पर चार्जिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा है और वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज की वीडियो भी मैं सोच के बैठा था कि आधे घंटे से ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, पर मुझे नहीं लग रहा ये आधे घंटे की तो ये नहीं है, मुझे लग रहा उससे ज़्यादा लंबी चलेगी वीडियो। उसके बाद ये मैंने MG गाड़ी की, अब इंडिया में MG गाड़ी बहुत पॉपुलर हो रही है, उसकी स्पेसिफिकेशन निकाली है, उसमें भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, परमानेंट टाइप मोटर है इसमें। मैक्सिमम पावर इन्होंने PS में दी गई है, जो कि 176 है, अगर आप गूगल पे जाके इसे कन्वर्ट करो 176 PS से किलोवाट, तो आपको किलोवाट नंबर आ जाएगा, मेरे ख्याल में 125 किलोवाट बनता है इसका। आपकी यहाँ पे पावर टॉर्क आउटपुट आ गई है। बैटरी कैपेसिटी कितनी है इसकी, 50। अब देखिए ये बैटरी 50 किलोवाट आवर की है, और पुरानी गाड़ी जो टियागो थी उसकी कितनी थी, 24 किलोवाट आवर की। अब ये कितना ज्यादा गाड़ी को रेंज देती है ये, अब ये देखिए जो 24 किलोवाट वाली गाड़ी है टाटा की, ये 315 किलोमीटर ही चल सकती है। अब 315 शोर नहीं चलेगी, कभी कभार रास्ता ऐसा होता है, कभी बार ट्रैफिक ऐसा होता है, कई बार एसी बहुत ज्यादा चलता है, उससे रेंज कम हो जाती है कि कितनी दूर तक गाड़ी जा सकती है फुली चार्ज होके, जैसे अपना मोबाइल फोन होता है ना, कितना टाइम चल सकता है ये चार्ज होके। अब इसकी हमारे पास 24 किलोवाट आवर की बैटरी थी, इसलिए गाड़ी बस 300 किलोमीटर चल सकती थी, पर ये जो MG है ये 50 किलोवाट आवर की बैटरी है, इसलिए ये 460 किलोमीटर चल सकती है। सो ज्यादा किलोमीटर हमें मिल रहे हैं क्योंकि बैटरी हमारी ज्यादा बड़ी है। उसके साथ साथ हमारे पास इन्होंने चार्जिंग बताया हुआ है और सिंपल, उसके नीचे सस्पेंशन वगैरह आ गए। अब ये दो MG और टाटा की जो गाड़ियां इंडिया में बिकती हैं, जो सेल होती हैं, उनके बारे में थी। और अब मैं आपको LDV की गाड़ी दिखाता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में बेचते हैं ये,
उसमें स्पेसिफिकेशन में क्या एक्स्ट्रा ये बताते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, परमानेंट मोटर है हमारे पास, रियर व्हील ड्राइव है, किलोवाट में हमारी आउटपुट दी गई है। देखिए इंडिया में किलोवाट में आउटपुट नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया में किलोवाट में आउटपुट देते हैं, किलोवाट में आउटपुट दी गई है, हमारे पास टॉर्क दी गई है, उसके साथ साथ ड्राइविंग मोड दिए गए हैं और बैटरी हमें यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए बैटरी इसमें लिखा है 88 किलोवाट, बैटरी बहुत बड़ी है, पर ये देखिए रेंज कितनी कम है। इतनी रेंज कम क्यों है, क्योंकि इसकी मोटर की किलोवाट जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा है। अगर आपकी बैटरी बड़ी है और रेंज फिर भी उतनी नहीं है, क्योंकि उसकी मोटर बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर आप बड़ी मोटर लेंगे तो आपको बड़ी बैटरी रखनी पड़ेगी, ठीक है, फिर भी रेंज आपको, अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हो तो बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, बैटरी हैवी भी बहुत होती है। सो अगर आपको, अगर यहाँ पे छोटी मोटर होती, 55 किलोवाट की मोटर होती, तो इसकी रेंज शायद 550 बन जाती, क्योंकि वो मोटर में इतनी जान नहीं है, है ना। पर ये एक ट्रक है, ये ट्रक है तो यूट कह लो, ट्रक कह लो, क्योंकि इसने सामान खींचना होता है तो मोटर में जान तो चाहिए चाहिए। पर बाकी की जो चीजें हैं वो सारी सेम दी गई हैं, जो हमारे बाकी के ब्रोशर में हमने पहले देखी है। सो ये चीजें होगी कि जो मैं आपको टेक्निकल साइड में समझाना चाहता था। अब गाड़ी में क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास, वो मैं आपको सिंपली बता दूं। चार्जर, चार्जिंग सिस्टम होता है कि जब आपने घर से चार्जिंग करनी है उसका अलग एक सिस्टम लगा होता है, आपकी डीसी टू डीसी कन्वर्जन सिस्टम अलग होता है, एसी, अब कोई इंजन नहीं है सो एसी कंप्रेसर ऑल्टरनेटर की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी चीज ने चार्ज ऐसे नहीं होना, ऑल्टरनेटर का काम आपकी मोटर ही कर देती है। सो जहां आप घर से चार्ज कर लेते हो वो चीज होगी। जो एसी है वो अब इलेक्ट्रिक हो गया है, जो गाड़ी में हीट है वो भी इलेक्ट्रिक हो गई है, सारा कुछ कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेल्ट से चल रहा हो। सो बेल्ट वाला तो हमारा काम ही नहीं रह गया, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर पीछे है, उसके ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ है, एक जो चार्जर गाड़ी के साथ आता है उसे हम ऑनबोर्ड चार्जर कह देते हैं, और बैटरी बहुत अलग अलग टाइप की बैटरीज आ रही हैं आजकल, उसमें भी बहुत सी चीजें, हर एक कंपनी का अलग अलग नजरिया चीजों को। अब गाड़ियां तो सारी सेम है, पेट्रोल की कितनी गाड़ियां आती हैं, वॉक्सवैगन अलग टाइप से बनाती है, होंडा अलग टाइप से बनाती है, अमेरिका की गाड़ियां अलग टाइप से आती हैं, वैसे ही ईवी में भी सेम चीज है, हर एक तरफ ईवी तो है, हर एक कंपनी अपनी अपनी ईवी की गाड़ी तो बना रही है, पर हर एक का अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हर एक अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। सो धीरे धीरे हम अपने ट्रेनिंग में ये भी कवर करेंगे कि कौन सी कंपनी की गाड़ी किस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, किया की अलग कवर करेंगे हम, एमजी की अलग कवर करेंगे, और जितनी भी कंपनी ईवी गाड़ियां लेकर आ रही है, निसन जो लेकर आ रही है उसकी अलग कवर करेंगे, ताकि जो आप हमारे भाई वर्कशॉप है जो एक कंपनी की गाड़ी पे ही काम करना पसंद करते हैं तो उनको वो बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारे पास एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे पड़ी है उस वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है जैसी आपकी बड़ी गाड़ियां सड़क पे चल रही होती हैं। सो यहां पर आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो सके कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां में हमारे पास क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो छोटी हमारी आरसी रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ियां होती हैं वो हमारे पास गाड़ी है, पर जो फंडा है वो बिल्कुल सेम है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हमारे पास तीन मोटी तारें दी गई हैं जो हमारी इस बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर में जा रही हैं, और ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, यहाँ पे हमारे पास बैटरी दी गई है, यहाँ पे देखिए बैटरी पे लिखा हुआ है AH, जैसे मैं बता रहा था आपको एम्पियर आवर, पर ये मिली एम्पियर आवर वाली बैटरी है, 5000 मिली एम्पियर वाली बैटरी है, क्योंकि ये छोटी आरसी गाड़ी है। इससे हमारे पास दो तारें निकल रही हैं यहां से जो डीसी करंट वाली है, ये डीसी बैटरी है, डायरेक्ट करंट है इसमें, वो जा रही है सीधा इस वाले यूनिट में, यहाँ पे ये यूनिट है, इस पे पंखा लगा हुआ है, ये जो यूनिट है इसके अंदर लगा हुआ है एक छोटा प्रोसेसर जो यहां से इस मोटर को कंट्रोल करता है। अब ये मोटर कितनी तेज चलनी चाहिए ये कैलकुलेट करता है, जैसे जैसे इसे पीछे से हमारे रिमोट से कमांड आती है, अगर हम रिमोट पे बटन दबाएंगे कि एकदम तेज चले ये गाड़ी, तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये उतना ही ज्यादा करंट हमारी बैटरी से लेना शुरू कर देगा, और उसी तरीके से हमारी जो ये इलेक्ट्रिक मोटर है इसे कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अब तीन तारों वाली मोटर ज्यादातर आपको एसी की मिलेगी, तीन फेज वाली इलेक्ट्रिक मोटर एसी की होती है, पर इस गाड़ी में ये डीसी मोटर है, ये काम फिर भी थोड़ा बहुत एसी मोटर की तरह करती है, पर ये है डीसी की ब्रशलेस मोटर। इसमें एक तरीका है जिससे ये जो फ्रीक्वेंसी है उसे चॉप कर देते हैं
और इसे एसी के तरीके से चला लेते हैं, पर वो मैं अभी कवर नहीं करना चाहता क्योंकि वो काफी डीप जाना पड़ता है हमें जो एसी और डीसी की एम्पलीट्यूड्स है उस चीज के बारे में। पर जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिंपल हमारी जो गाड़ियां सड़क पे भी हम देखते हैं उसमें भी सेम चीज ही है, उसमें मोटर है, यहाँ पे मोटर इन्होंने बीच में लगाई हुई है, पर उसकी मोटर यहाँ होगी या पीछे या आगे होगी या पीछे होगी, यहाँ पे मोटर होगी, बैटरी आपकी पूरी गाड़ी के नीचे बैटरी होगी, वो उसे चलाएगा, और ये हमारा इन्वर्टर यूनिट है, जैसे मैंने EV6 के EV6 वाले हिस्से में आपको यहाँ पे दिखाया था। और ये देखिए, अब कूलिंग, मैंने आपको कहा था कि कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टर यूनिट, ये जो यूनिट है यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट, इसके ऊपर इन्होंने पंखा दिया हुआ है, यहां से बटन अगर मैं ऑन करता हूं ये पंखा चल पड़ा, शायद आप सुन नहीं सकोगे क्योंकि कैमरा दूर है, पर बहुत तेज पंखा चल रहा है, इसे मैं बंद करूं, पंखा बंद हो रहा है। सो यहां पे पंखा है ताकि ये ठंडा रह सके। अब ये ईवी तो नहीं है, ये मतलब है इलेक्ट्रिक टॉय है, ये खिलौना है, तो ये जो बैटरी है ये सारा कुछ कवर नहीं रहता, इसके ऊपर कवर भी लग जाता है पर इन चीजों को पूरी हवा मिल रही है और ये हवा से ही ठंडा हो रहा है, ये सारा कुछ एयर कूल्ड है, जैसे वो कूल लिक्विड कूल्ड था ये एयर कूल्ड है। पर मेन चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो यही है कि ऐसे ही आपकी बड़ी गाड़ी है, ऐसे ही उसमें बैटरी लगी है, ऐसे ही उस बैटरी को कंट्रोल, बैटरी से पावर लेने वाला हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर कंट्रोल करता है आपकी मोटर को और मोटर आउटपुट देती है आपके व्हील्स को। सेम चीज आपको गाड़ी में देखने मिलेगी, जैसे हमने वो स्पेसिफिकेशन में देखा था, मोटर की स्पेसिफिकेशन है हमारे पास, बैटरी की स्पेसिफिकेशन है हमारे पास, इन्वर्टर यूनिट है और रिडक्शन गियर। अगर आप रिडक्शन गियर की अब बात करें, सो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर गियर दिए गए हैं, सो एक गियर यहां पे लगा हुआ है जो मोटर से आ रहा है गियर, और एक बड़ा गियर यहां पे दिया गया है, ये दोनों गियर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जब ये मोटर घूमती है तो ये वाला ये बड़ा गियर है जो उसे घुमाती है। अब इसकी जो रेशो है वो है 12.9 से 1 की, कि जब ये इलेक्ट्रिक मोटर 12 बार घूमेगी तो ये बड़े वाला जो हमारा गियर है, जो गियर ही कह सकते हैं, हिंदी में भी गियर ही कहते हैं, मुझे कहते हैं, मुझे लगता है जहां तक, तो वो गियर एक बार घूमेगा ये 12.9 को मैं 13 ही कह देता हूं, अब एक को क्या छोड़ना, 13 बार अगर ये आउटपुट हमारी इलेक्ट्रिक मोटर की, अगर आउटपुट 13 बार ये गियर घूमेगा, हमारी शाफ्ट घूमेगी, तो ये बड़े वाला गियर ये एक बार घूमेगा और ये सीधा गियर हमारे ड्राइव शाफ्ट से लगा हुआ है। सो अगर कहने का मतलब ये है, चाहे यहां पे कैलकुलेट करो चाहे वहां पे, अगर इसके बीच में डिफरेंशियल ना लगे हो, यहां पे मानिए डिफरेंशियल नहीं लगे, ये देखो ड्राइव शाफ्ट बनी हुई है, ये ड्राइव शाफ्ट बनी है, अगर इसमें कोई डिफरेंशियल ना लगे हो और ये ड्राइव शाफ्ट से दोनों साइड का एक्सल जुड़ा हो, तो अगर ये मोटर 12-13 बार घूम रही है तो टायर हमारा एक बार घूमेगा, उसे कह देते हैं हम टोटल रिडक्शन गियर। टोटल का मतलब कि जितने भी गियर इसके बीच में आ रहे हैं टायर तक जाते हुए, वो सारे को अगर हम कैलकुलेट कर लें कि टोटल कितना है, कि कितना टाइम हमारी मोटर घूम रही है और कितने टाइम हमारी आउटपुट, मैक्सिमम जो आउटपुट हमारी शाफ्ट है वो कितना घूम रही है, तो वो टोटल रिडक्शन हो जाता है। पर कहीं ना कहीं किसी हद तक ये वही चीज है जो मैं आपको इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों के बारे में वीडियो के शुरू से समझा रहा हूं, बस फर्क क्या है, क्योंकि वो पैसेंजर गाड़ी है, उसमें और ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी वायरिंग है, उसमें बहुत कुछ ज्यादा है, और ये एक टॉय है, एक खिलौना है जिसमें इतना कुछ नहीं है जैसे हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता है। पर काफी चीजें आपको इससे देखकर समझ आ जाती हैं, किसी को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में समझाना हो तो यहां से काफी इजीली समझ आ जाता है कि हाँ ये सिस्टम कैसे चलता है। अब इसमें जो रिडक्शन गियर है, अब कहने को ये गाड़ी है खिलौना, रिडक्शन गियर यहाँ पे दिया गया है, अब जो गियर है जो एक दूसरे के साथ वो मैश कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पर आम गाड़ियों में हमारे पास ये रिडक्शन गियर में ऑयल भी होता है ताकि वो गियर एक दूसरे के साथ घिस घिस कर खराब ना हो जाए, वो गियर के दांत खराब ना हो जाए, सो उसमें ऑयल भी दिया जाता है, सो उसे हम कह देते हैं रिडक्शन गियर का ऑयल चेंज करना, है ना। सो चीजें यही है, पर साइज बड़ा है, उसमें टेक्नोलॉजी और है, और वो पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें काफी चीजें अलग आ जाती हैं। पर बहुत बहुत जरूरी था मेरा ये दिखाना आप सभी को कि ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी भी जो बड़े साइज वाली होती है वो भी बिल्कुल सेम फंडा होता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। देखिए ट्रेनिंग वाली, अगर आपके मन में ये है कि यार ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी सारा कुछ नहीं पता लगा,
तो बहुत ज़्यादा सी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। नाइन जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, शायद बताया था कि नहीं, मैं भूल गया, 1997 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में है। टोयोटा ने 1997 में रैव 4 नाम की गाड़ी को निकाला था, फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। अब आप खुद सोच लीजिए कि 26 साल से वो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी होगी, और अगर इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, पिछले 26 साल का कितना कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा इस ईवी टेक्नोलॉजी को कैच करने के लिए, इस ईवी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आज ये चीज़ बंद हो गई है, आज भी कंपनियां रोज़ इस चीज़ पे और मेहनत कर रही हैं और टेक्नोलॉजी ला रही हैं, और सारा कुछ आपको फिर से और आगे पढ़ना पड़ रहा है। अब BYD की गाड़ियां बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ, बैटरी बहुत डिफरेंट आ रही है BYD की, सो उसके बारे में भी अब सीखना पड़ेगा। देखिए, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो EV हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, जिसकी वजह से हमने अपना VTEC का जो ट्रेनिंग वाला एक हिस्सा बनाया हुआ है, वो इसीलिए बनाया है ताकि चाहे आने वाले टाइम में कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी भी चेंज हो जाए, आपको इस चीज़ की कभी टेंशन ना हो कि यार ये चीज़ें सीखेंगे कहाँ से, ये चीज़ें समझेंगे कहाँ से, कैसे हम गाड़ियों पे काम करेंगे। अगर आप गाड़ियों के लिए इंटरेस्टेड हैं, गाड़ियों पे काम करने पे इंटरेस्टेड हैं, अगर आप गाड़ियों से ही खाना खा रहे हैं, आप गाड़ी पे सारा दिन काम करते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग एक बार ज़रूर चेक करें कि क्या फ़ायदा हम VTEC परिवार आपको दे सकता है। बहुत से भाई हैं हमारे, हम एक परिवार की तरह एक दूसरे की मदद भी करते हैं सारा दिन। सो उम्मीद है चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आगे आए तो कहीं ना कहीं मैं आपकी किसी ना किसी तरीके हेल्प कर सकूं उस टेक्नोलॉजी को समझने में, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, गाड़ियों के लिए बस। कोई और टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे कुछ कवर नहीं करेंगे, बस हम गाड़ियों तक ही सीमित हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलेंगे अगली बार।